नमस्कार बहुत बहुत स्वागत है जी आप सभी का स्पोर्ट्स लाइव एपी लाइव देख रहे हैं और आज हम बात कर रहे हैं गुजरात टाइटंस टीम की। और ये टीम जो है बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा कर रही है, पिछले दोनों सीजन में फाइनल खेली है, एक तो जिता चुके हैं, एक जो है रनर अप रह गए क्योंकि चेन्नई के हाथों हार गए थे। लेकिन इस बार नया क्या है, हार्दिक पांड्या नहीं है। सबसे पहले तो गुजरात टाइटंस के कप्तान जो है वो जा चुके हैं मुंबई में, तो अब शुभमन गिल वो उनको कप्तानी मिल गई है और उनके लिए टूर्नामेंट बहुत ज़रूरी है। वो भी चाहेंगे कि इस टूर्नामेंट में बतौर कप्तान जीत दिला दें गुजरात को। और आशीष नेहरा की कोचिंग में ये टीम बहुत अच्छा कर रही है और ये टीम किस तरीके से नज़र आती है, क्या स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स हैं इनके, क्या वीकनेस है, उस पर चर्चा कर लेते हैं। सबसे पहले तो मुझे लगता है कि बहुत शानदार इनके पास एक से बढ़कर एक खिलाड़ी हैं, ऑलराउंडर डिपार्टमेंट में बहुत ही बढ़िया टीम नजर आती है। वो शुरू से देखें तो जरूर शुभमन गिल ओपन करेंगे, उसके बाद रिद्धमान साहा, ये दोनों मुझे लगते हैं दोनों ओपनिंग दिखती है। रिद्धमान साहा ने बहुत इंप्रूव किया है पिछले कुछ समय में, T20s में तेज खेलते हुए नजर आए हैं। इसके बाद तीन पर साई सुदर्शन या फिर केन विलियमसन साई सुदर्शन जैसा भी रहेगा, आई थिंक वो डिपेंड करेगा क्योंकि जो है केन विलियमसन को ये जो है अगर खिलाते भी हैं तो इम्पैक्ट सब में यूज करते हैं और उसके बाद जोशुआ लिटिल को ही अंदर लेके आते हैं बॉलिंग ऑप्शन में। सेम काम साइंस दर्शन के साथ रहता था कि जब साइंस दर्शन और अगर वो खेलते भी है तो शायद मुझे लगता है उनके एक्सपीरियंस की वजह से उनको जगह दी जाएगी। शुभमन गिल अभी नए हैं एज ए कैप्टन, तो उनको वो ज्यादा जो है हेल्प आउट कर सकते हैं। चार पर देखना होगा कि क्या विजय शंकर खिलाते, क्योंकि विजय शंकर ने बहुत इंपैक्ट डाला पिछले कुछ समय में। और उसके बाद तो नो डाउट भाई डेविड मिलर, इनको तो आप अलग रख ही नहीं सकते, इन्होंने बहुत ताबड़तोड़ बल्लेबाजी की है। और फिर राहुल तेवतिया और एक और नया नाम जो आ गया वो है शाहरुख खान, पंजाब से आए हैं निकल के। और शाहरुख खान बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा कर सकते हैं इस टीम के अंदर, जिस तरीके की बैटिंग करते हैं, विकेट कीपिंग भी करते हैं। सचिन, जिस तरीके से मैं देख रहा हूं यहां पर, तो शाहरुख खान, विजय शंकर, राहुल तेवतिया, इन तीन में से कोई दो लगभग सभी मैचेस खेलेंगे जी, लगभग सभी मैचेस, जैसे कि टीम की रिक्वायरमेंट होगी, जिस तरीके से भी होगी, जहां जिसका रोल रहेगा। विजय शंकर को हालांकि अब फॉर द मोस्ट पार्ट टीमें एज बैट्समैन ही खिला रही हैं, उनसे बॉलिंग में उतना रोल यूज नहीं किया जाता है उनको। सेम शाहरुख खान के साथ भी था, शाहरुख भी मोस्टली एज क्या बोलते हैं बैट्समैन ही खेल रहे हैं। राहुल तेवतिया का लेकिन गेंदबाजी में भी एक दो ओवर उनसे फेंकवाए जाते हैं, और राहुल तेवतिया को भी लेकिन अब कहीं ना कहीं वो दो सीजन तीन सीजन पहले जो वो राजस्थान के साथ थे उसी चीज़ के लिए अभी भी उनको जाना जा रहा है। अगर ऐसा देखा जाए कि राहुल तेवतिया ने कोई बहुत झंडे गाड़ दिए हों गुजरात के लिए, तो वैसा कुछ देखने को मिला नहीं है। अब हो क्या रहा है कि टीम में इतने टैलेंटेड प्लेयर्स हैं कि टॉप ऑर्डर और बॉलर्स इतना शानदार प्रदर्शन कर दे रहे हैं कि कहीं ना कहीं वो जो कमी है राहुल तेवतिया की एज ऑफ नाउ वो छुप जा रही है। लेकिन राहुल तेवतिया टैलेंटेड बहुत है, पोटेंशियल बहुत है, ये सीजन उनका सीजन हो सकता है मेरे हिसाब से। बिल्कुल, बहुत इंपॉर्टेंट प्लेयर हैं। और अगर हम बात करें स्पिन में तो इनके पास महारथी हैं या राशिद खान, कोई स्पिनर नहीं है इस समय T20 क्रिकेट के अंदर, और बहुत इंपॉर्टेंट रोल राशिद खान जिस भी टीम के लिए खेलते हैं उसके लिए कमार करते हैं। हैदराबाद उठा लीजिए या फिर अब गुजरात उठा लीजिए। लेकिन सचिन यहाँ पर जो है राशिद खान के साथ एक जो दिक्कत जो थोड़ी सी आ रही है, एक तो उन्होंने एज बैट्समैन अपने आप को बहुत इंप्रूव किया है, जिस तरीके से वो हमने वर्ल्ड कप में देखा कभी, बिल्कुल, और अभी कुछ दिनों पहले उनके वीडियोस वायरल हो रहे थे कराइयों का इस्तेमाल करके, जिस तरीके से वो छक्के मारते हैं, मतलब एक हमारे पास वेरी वेरी स्पेशल VVS लक्ष्मण थे जो कलाइयों का इस्तेमाल करके चौके मारते थे, ये सिर्फ कलाइयों का इस्तेमाल करके बल्ला घुमा के इनका सिक्स निकलता है, तो वो अपने आप में राशिद खान का एक टैलेंट निकल के आ रहा है। लेकिन जो उनका मेन टैलेंट है, जो उनका मेन रोल है एज बॉलर, कहीं ना कहीं क्या हो रहा है कि जो बाकी टीमें हैं वो राशिद खान को प्ले आउट कर रही हैं, राशिद खान के अगेंस्ट रन बनाने की कोशिश नहीं करती हैं, उनको इधर उधर सिंगल डबल एकाध खराब बॉल आ गई तो उस पर चौका, वो राशिद खान के अगेंस्ट चार ओवर में 22 25 30 रन बना के खुश हैं और वो बाकी बॉलर्स को फिर उनकी पिटाई करने के लिए उनके पीछे जाती हैं। इसको आप किस तरीके से देखते हैं, क्या इसके लिए भी राशिद खान और गुजरात मैनेजमेंट ने कोई स्ट्रेटजी बनाई होगी? बिल्कुल, देखिए मुझे लगता है कि बीच बीच में राहुल तेवतिया का इस्तेमाल होगा, कुछ वो दो चार दो तीन ओवर डाल देंगे कि बहुत इंपॉर्टेंट है उनका, और भी गेंदबाज विजय शंकर का इस्तेमाल हो सकता है अगर वो खिला रहे हैं एक दो ओवर, आप उनसे पार्ट टाइमर्स का इस्तेमाल करती हैं अक्सर टीमें, हमने देखा है MS धोनी तो बहुत करते थे, साई किशोर भी हैं, साई किशोर भी हैं, वो भी कर सकते हैं गेंदबाजी। तो राशिद खान देखिए कभी भी ऐसा मुझे दिखा नहीं किसी मैच में उन्होंने विकेट ना ली हो या बहुत ज़्यादा रन दे दिए हो, वो तो कराएंगे, लेकिन अगर एक खिलाड़ी और उनका साथ दे देता है तो बहुत बेहतर हो जाएगा। तेज गेंदबाजी पर अगर नजर डालें तो भाई उमेश यादव आ गए हैं यहाँ पर, उमेश यादव के KR मोहम्मद शमी की इंजरी मेरे ख्याल से मोहम्मद शमी बहुत बड़ा कंसर्न, बहुत दो बड़े, पहले तो हार्दिक पांड्या इधर चले गए और उसके बाद फिर मोहम्मद शमी जो कि अभी इंजरी से ही जूझ रहे हैं तो वो हिस्सा नहीं है इनका। और उसके अलावा अगर देखें तो मोहित शर्मा का भी सीजन ठीक ठाक गुजरा था, हालांकि पिछले साल जो फाइनल था उसमें हमने देखा वो जिस तरीके से बाउंड्री पड़ी, लेकिन स्पेंसर जॉनसन भी एक नाम है
जोशुआ लिटिल एक नाम है, जोशुआ लिटिल को इम्पैक्ट सब के तौर पे बहुत बार यूज किया गया पिछले उसमें, तो संदीप वारियर को इंक्लूड किया गया है टीम में, वो भी देखा जाए तो एक पुराने वॉर हॉर्स हैं, आईपीएल में उनके परफॉर्मेंसेस हमें देखने को मिलती रही हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता कि संदीप वारियर की टीम में प्लेइंग 11 में इनिशियली जगह बनेगी। एक नाम जिसे हैदराबाद ने इस बार ठुकरा दिया था, ये एक तरीके से हमने देखा है कि हैदराबाद की टीम अपने जिन बॉलर्स को बाहर करती है उनको गुजरात लपक लेती है। राशिद खान भी वहीं से आए, कार्तिक त्यागी ये एक नाम है जो इस साल जुड़ा है, मेरे ख्याल से कार्तिक त्यागी वो मोहम्मद शमी की जगह यहाँ फिल कर सकते हैं, क्या बोलेंगे सचिन? बिल्कुल, और फिल तो कर लेंगे, लेकिन किस तरीके से परफॉर्मेंस करेंगे, क्या उतना ज़्यादा इंपैक्ट डाल पाएंगे कि उतना मोहम्मद शमी डाल सकते हैं, और वो देखना बहुत दिलचस्प होगा। लेकिन शुभमन गिल पहली दफ़ा कैप्टनसी कर रहे हैं, उनका भी नया नया ये कप्तानी का एक्सपीरियंस होगा जो उन्हें मिलेगा, और ऑब्वियसली ऑलराउंडर्स थोड़े कमजोरी नज़र आते हैं क्योंकि हार्दिक पांड्या नहीं है, अब डेविड मिलर का चलना बहुत ज़रूरी है, राहुल तेवतिया क्या उतने कारगर साबित होंगे जो वो राजस्थान के लिए करते थे, वो देखना बहुत दिलचस्प होगा, और उसके बाद फिर क्या ऑलराउंडर्स में आप राशिद खान ही कहीं अकेले ना करते हुए नजर आए कमाल गुजरात के लिए, वो एक गुजरात भी चाहेगा, आशीष नेहरा भी चाहेंगे कि उस स्थिति में हम ना आए। एक नाम और जो है, मतलब इनके पास ऑलरेडी मैथ्यू वेड और रिद्धिमान साहा, इनके पास बहुत, और वो एज एन ओपनर चेंज कर सकते हैं, मैथ्यू वेड भी ओपन बिल्कुल वो इंटरचेंजेबल हैं, डिपेंडिंग ऑन कौन सी पिच है वहां पर कैसे फॉरेन प्लेयर्स खिलाने हैं, लेकिन एक नाम रॉबिन मिंस, ये नाम भी बहुत तेजी से उभर कर आ रहा है, इस टीम में ऐड हुए हैं, क्या कहेंगे सचिन रॉबिन मिंस? और शायद मुझे लगता है कि एक ना एक दो मैचों में इनको ट्राई जरूर किया जा सकता है, कि जब आपके मेन स्ट्रीम खिलाड़ी अगर परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं और शुरुआत अगर अच्छी नहीं मिली दो तीन मैचों में, तो शायद मिंस का नाम भी आएगा, क्योंकि उन्होंने बहुत इंपैक्ट डाला है और उनके नाम पर चर्चा बहुत हुई है पिछले कुछ समय में, जिस तरीके का ये खिलाड़ी है, युवा खिलाड़ी है, ये देखना होगा कि मिंस क्या अपनी जगह बनाते हैं, और अगर जगह बनाते हैं तो परफॉर्मेंस पहले ही मैच से देना पड़ेगा उनको, बिल्कुल बिल्कुल, टीम में बहुत ज़्यादा मौके मिलेंगे नहीं, जो तो अगेन जो मौका मिलेगा दोनों हाथ से लपकना पड़ेगा, जैसे वो गेंद लपकते हैं विकेट कीपिंग करते हुए। लेकिन यहाँ पर अभी जो बात रहेगी, दो सीजन खेले हैं, दोनों सीजन का फाइनल रहा है, इनका टैग लाइन भी है आवादे, क्या कहेंगे सचिन इस बार आवादे? बिल्कुल, तीसरा सीजन तीसरा फाइनल, बिल्कुल मुझे लगता है कि ये भी टॉप चार की कंटेंडर टीम बनती है, और देखना होगा किस तरीके से शुभमन गिल जो है एक्सपीरियंस खिलाड़ियों से क्या बातचीत करते हैं, उनके साथ रहकर के किस तरह से टीम को आगे लेके जाते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट। लेकिन अगर हम बात करें प्लेयर्स टू वॉच फॉर पर, तो मुझे लगता है शाहरुख खान देखने वाले होंगे इस सीजन में, कि किस तरीके से वो अब पंजाब से जो गुजरात आए हैं, गुजरात कितना फ़ायदा वो गुजरात टीम को देते हैं, वो नज़र जरूर रहेगी, क्योंकि शाहरुख खान को जगह ज़रूर मिलेगी, और शाहरुख खान को जगह मिलेगी नहीं, शाहरुख खान को बहुत बड़े शूज फिल करने होंगे, शाहरुख खान हार्दिक पांड्या की जगह पर टीम में रहेंगे इन अ वे, ठीक है, क्योंकि वो ऑलराउंडर टू ऑलराउंडर कंपैरिजन होगा, ऑलराउंडर टू ऑलराउंडर सब्स्टिट्यूशन भी होगा, हार्दिक पांड्या टीम में जहां रहते थे वहीं पर इंडियन प्लेयर का सब्स्टिट्यूट शाहरुख खान। लेकिन यहां पर एक चीज़ और भी है जिसका केवल इस आईपीएल पर नहीं वर्ल्ड कप पर भी असर पड़ेगा, वो रहेगा शुभमन गिल का परफॉर्मेंस बोथ एज बैट्समैन एज क्या बोलना चाहिए कैप्टन, क्योंकि अगर शुभमन भी अच्छा करते हैं और गुजरात भी अच्छा करती है विराट कोहली के लिए, विराट कोहली फैंस सॉरी डोंट हेट मी फॉर दिस बट ये फैक्ट है, विराट कोहली के लिए T20 वर्ल्ड कप में जगह थोड़ी मुश्किल हो जाएगी, क्योंकि वहां पर हमें पता है कि यशस्वी जायसवाल और रोहित शर्मा ओपन करेंगे, शुभमन गिल अगर अच्छा परफॉर्म करते हैं तो नंबर तीन पर उनकी जगह बनती है, नंबर चार सूर्य कुमार यादव, मुझे नहीं लगता विराट की जगह फिर टीम में, क्योंकि फिर बनना बहुत मुश्किल हो जाएगा भविष्य में, जब आप देखते हैं कि कप्तानों की लिस्ट में तो शुभमन गिल का नाम भी आ जाएगा ऊपर अगर वो यहाँ जिताते हैं, हालांकि अभी तो हार्दिक पांड्या और सूर्य कुमार यादव भी आते हैं T20s में कैप्टन की बात आती है तो, लेकिन शुभमन गिल भी एक नाम हो सकते हैं अगर वो इस सीजन में अच्छा कर जाते हैं और गुजरात को एक और ट्रॉफी दिलाते हैं, क्योंकि एक तो जीत लिया इन्होंने और बहुत बढ़िया खेले हैं, दोनों ही सीजन में बहुत बढ़िया खेले हैं, तीसरे सीजन में भी इनसे बहुत उम्मीदें रहेंगी, और नो डाउट कि बहुत ज़बरदस्त टीम है इनके पास, हार्दिक के जाने के बाद भी ये टीम, शमी के रहने के बाद भी ये टीम कमज़ोर नहीं दिख रही है, मजबूत टीम है, आप देखना होगा किस तरीके से ये फील्ड पर परफॉर्मेंस अपने आपको अपने परफॉर्मेंस में उसको रेप्लिकेट कर पाते हैं, बिल्कुल। और अब आप भी बताइए कमेंट बॉक्स में आपको क्या लगता है कि गुजरात टीम आपको क्या लगता है इस बार भी क्या जा रही है प्ले ऑफ के अंदर, या इस बार भी खेल रही है फाइनल, वो आप हमारे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा कमेंट बॉक्स में, और आप अपनी टीम भी बनाइएगा वो भी आप हमारे साथ शेयर कीजिएगा, बहुत बहुत धन्यवाद।